जय हिंद दोस्तों, मैं मंगेश पवार, पवार मिलिट्री करियर एकेडमी रेडवा की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ह्यूमन मिलिट्री पुलिस भर्ती की पूरी जानकारी। जी हां दोस्तों, ह्यूमन मिलिट्री पुलिस की भर्ती जो कि पुणे के हड़पसर में स्थित ATAIPT में 12 से 14 जनवरी 2021 को होने वाली है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम एक नज़र डालते हैं रैली साइट पर लगे बैनर पर, जिसमें कुछ आवश्यक सूचनाएं दी गई है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं वे सूचनाएं कौन सी है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, रैली साइट पर यह बैनर लगाया गया है। इस बैनर में जो भी हिदायतें दी गई है वो आप ध्यान से देखिए। पहली हिदायत है, इस रैली में प्रवेश सबके लिए नहीं है, जिनको एडमिट कार्ड मिला है उनको ही प्रवेश है। नंबर दो, शिक्षा के कटौती के आधार पर एडमिट कार्ड दिए गए हैं अथवा चुने गए उम्मीदवार की दर्ज की गई ईमेल पे आए हैं वही इस रैली में हिस्सा ले सकती है। अफवाह में ना जाए, अगर आपके पास एडमिट कार्ड है तो ही रैली पे आए। जैसा कि आपने देखा, आवश्यक सूचनाएं आपने तो अच्छी तरह से देख ली होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको और कुछ आवश्यक सूचनाएँ दी गई है जो आप ध्यान से पढ़ लें। आवश्यक सूचनाओं में आपको दिया गया है कि COVID-19 निगेटिव रिपोर्ट और नो रिस्क सर्टिफिकेट जो कि फॉर्म में दी गई रेजिडेंसी ए और बी के अनुसार ही हो। आप नीचे देख सकते हैं फॉर्म में दी गई रेजिडेंसी ए और बी क्या है और वो कैसे रहता है। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, यह है COVID-19 फ्रेश सर्टिफिकेट। यह सर्टिफिकेट आप अच्छी तरह से देख लें और COVID-19 निगेटिव रिपोर्ट आपको रैली साइट पर ले जानी होगी। और यह है अपेंडिक्स बी फ्रॉम रेजिडेंसी बी, यह है नो रिस्क सर्टिफिकेट। यह नो रिस्क सर्टिफिकेट भी आपको रैली साइट पर ले जाना होगा। और देखते हैं दोस्तों, आपको रैली साइट पर मास्क, ग्लव्स, हैंड सैनिटाइज़र यह सब ले जाना होगा। इसमें दिया गया है फिजिकल फिटनेस टेस्ट। 1600 मीटर की दौड़ महिलाओं को 7 मिनट 30 सेकंड में पार करने वाली महिलाओं को फर्स्ट ग्रुप में लिया जाएगा और 7 मिनट 30 सेकंड से 8 मिनट के बीच में जो महिलाएं 1600 मीटर की दौड़ पार करेंगी उनको सेकंड ग्रुप में लिया जाएगा। इसमें लॉन्ग जंप महिलाओं के लिए 10 फीट है और हाई जंप महिलाओं के लिए 3 फीट है। जैसा कि हम नीचे देखते हैं और आपके लिए जो भी जानकारी है सही होगी, मैं वो आपको जानकारी देने का प्रयास करूँगा। जैसा कि आप देख रहे हो, एडमिट कार्ड दिया गया है। एडमिट कार्ड प्रिंटेड विथ लेज़र प्रिंटर ऑन गुड क्वालिटी पेपर। दोस्तों, जैसा कि इसमें दिया गया है, एडमिट कार्ड लेज़र प्रिंटर से अच्छे क्वालिटी के पेज पर ही हो। फोटोग्राफ आपको 20 फोटो कॉपी जो सफ़ेद बैकग्राउंड की हो वह आपको ले जानी होगी। इसमें एजुकेशन सर्टिफिकेट ये सब दिया गया है। जो भी महिलाएँ रैली साइट पर जाने वाली है वो अच्छी तरह से यह देख ले, जैसा कि उनको बाद में कोई भी दिक्कत ना आए। जैसा कि इसमें दिया गया, कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, NCC सर्टिफिकेट, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, यह सब आपको रैली साइट पर ले जाना होगा। जिनके पास जो सर्टिफिकेट है वही वो सर्टिफिकेट ले जाए। जैसा कि इसमें दिया गया है अनमैरिड सर्टिफिकेट। जी हाँ, जो भी महिलाएं यह रैली में भाग लेने वाली है उनको अनमैरिड सर्टिफिकेट ले जाना होगा। अनमैरिड सर्टिफिकेट, अगर आप गांव से बिलोंग करती है तो आपको गांव के सरपंच से अनमैरिड सर्टिफिकेट ले जाना होगा। इसमें मैरिड सर्टिफिकेट, मैरिड कैंडिडेट के बारे में भी जानकारी दी गई है जो कि आप अच्छी तरह से देख लें। इसमें बताया है कि आपको सिंगल बैंक KC, पैन कार्ड, आधार कार्ड। जी हाँ दोस्तों, आपको आपके बैंक का पासबुक, पैन कार्ड और आधार कार्ड यह सब ले जाना होगा। एफिडेविट, दोस्तों इसमें बताया गया है कि एफिडेविट जो है नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर
आपको नोटरी की गई हो। और बढ़ते हैं आगे, जैसा कि इसमें जो भी अच्छी जानकारी है मैं आपको वही देने का प्रयास करूँगा। आपके हाथ पर टैटू ना हो, देखिए इसमें ड्रग्स के बारे में दिया गया है कि ड्रग्स लेकर कोई भी रैली साइट पर भाग ना ले। महिलाओं के लिए कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर है 02026345005। इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल कर आपको जो भी जानकारी चाहिए होगी वो जानकारी आप ले सकती है। या अपेंडिक्स ए जो कि मैंने आपको पहले ही दिखा दिया गए वह आपको अच्छी तरह से आप देख लिए। यह कोविड 19 का निगेटिव रिपोर्ट आपको ले जानी होगी। अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो आपको वहाँ पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यह है नो रिस्क सर्टिफिकेट आप अच्छी तरह से देख ले। इस सर्टिफिकेट में जो भी जानकारी दी गई होगी वह आप अच्छी तरह से देख ले, पढ़ ले और उसके बाद ही यह सर्टिफिकेट रैली साइट पर आपको ले जाना होगा। जिन महिलाओं को एडमिट कार्ड अवेलेबल नहीं हुआ है वह महिला इसमें भाग ना ले, अन्यथा आपके जो भी पैसा और समय है वो बर्बाद होगा।